उत्तर प्रदेश के आगरा में ओम जी ट्रेडर्स द्वारा होटल पीएल पैलेस में एक ब्यूटी सेमिनार का आयोजन कराया गया। इसमें दिल्ली से आए अमित कुमार ने मेकअप और हेयर स्टाइल का डेमो और टिप्स दिए और ओम जी ट्रेडर्स द्वारा अपने प्रोडक्ट का फ्री गिफ्ट का वितरण भी किया गया। इसमें देश के अनेक जगह से लोगों ने भाग लिया। राजस्थान, हरियाणा, लखनऊ, गोरखपुर, अलीगढ़, आगरा। इसका संचालन ओम जी ट्रेडर्स के संस्थापक ब्रजेश यादव ने किया। कविता असीवाल, राधिका मेकओवर से। ये ओम जी ट्रेडर्स द्वारा जो ये क्लासेस थे, अमित सर की क्लास में शायद कब से सोच रही थी कि मुझे करनी है, और ये आगरा में आए ओम जी ट्रेडर्स के द्वारा मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनका काम जो था अमेजिंग था, इनका लुक, इनका मेकअप सुपर, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू, एंजॉय कर रहे हैं। और पहली बार ओम जी ने मेरे को ऑफर किया कि आप आइए मेरे मेकअप आर्टिस्ट के लिए। मैंने अपना माइंड मेकअप किया, बट मैंने सोचा नहीं था आप कौन, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड मेकअप एंड गुड मेकअप आर्टिस्ट एंड ओम जी सो मच। मैं अमित कुमार, मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो मैं फर्स्ट टाइम इन आगरा आया हूँ एक ग्रैंड सेमिनार के लिए और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला और बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे कि बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहा हूँ, और काफ़ी खुश हुए बच्चे काम देख के। आगरा में बहुत ही ताजमहल इस तरह से आज लोगों ने दीदी फिल्म को दिया, किस तरह से आपको सिखाने का, क्या आज उनको तरीके सिखाए किस तरह से मेकअप का? जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है काफ़ी ज़्यादा एक ग्लैमर इंडस्ट्री है और कुछ ना कुछ अपडेट हमेशा चलता ही रहता है। तो इसी अपडेशन के लिए बच्चों को जो भी आजकल अब जो नया आने वाला ट्रेंड है, जो भी हमारा जो सीज़न आने वाला है उसमें क्या चीज़ें नई आई हैं हमारे मेकअप के अंदर, वो सारी चीज़ें बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। किस तरह से लोगों को समझाया, किस तरह से उसका बताया आपने, किस तरह से मेकअप का किसके सीए थे? जैसे कि हमारे यहाँ पर आज हमारी दो लुक थी, एक ब्राइडल और एक इंगेजमेंट। तो मैंने उनको अच्छे से बताया कि किस तरह से आपको अपना मेकअप करना चाहिए ताकि मेकअप काफ़ी अच्छे से टिके, वो बहे ना बिल्कुल भी मेकअप। और बच्चों ने काफ़ी क्वेश्चन भी किए, उनके काफ़ी सारे डाउट्स भी किए। देखा जा रहा है कि मेकअप के बारे में जैसे लाइटिंग करती है उसके बारे में मेकअप धुलने लग जाता है, कुछ कुछ ऐसी बात है, उसके बारे में क्या लोगों को किस तरह से मेकअप के बारे में? लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा ये बैठा हुआ है कि शायद हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट नहीं है तो ही हमसे ये काम नहीं हो पाता, जबकि ऐसा नहीं है। आपके पास मेन टेक्निक होनी चाहिए, तो अगर आपके पास टेक्निक बहुत अच्छी है तो आप नॉर्मल प्रोडक्ट से भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और मैंने वही चीज़ बच्चों को बताया है कि जो नॉर्मल प्रोडक्ट है मैंने उसी से ही काम किया है, और बच्चों ने उस चीज़ देखा भी है और होप्स वो लोग बहुत अच्छे से करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।